पार्टी ने तो निर्णय लिया, लेकिन आप लोग को ऐसी उम्मीद थी कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं थी, हम लोग तो घरों में सो रहे थे। बीजेपी में चमत्कार तो होते ही रहते हैं अप्रत्याशित, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हुआ है कि आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के जो चुनाव में उनमें मोहन यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे और मोहन यादव के मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद में अब उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में मोहन यादव जी के समर्थक उनके निवास पर पहुंचे हैं और यहां पर पुष्प गुच्छ लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दो बार के विधायक हैं मोहन यादव जी उज्जैन से और उनको मुख्यमंत्री पद की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव जी बनाए गए हैं, तो यहां उनके समर्थक पहुंचे हैं। बड़ा उत्साह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग पहुंचे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, कितना उत्साह, ऐसा अनुमान था आपको कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? देखिए, माननीय जो नेतृत्व है हमारा, केंद्रीय नेतृत्व है माननीय मोदी जी हैं, लगातार 20 वर्षों से यहाँ पिछड़े वर्ग का नेतृत्व वहाँ मध्य प्रदेश में दिया हुआ है और मध्य पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए मोहन यादव जी को यहाँ मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी है। माननीय शिवराज जी के जो काम है उनको वो आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी को वो मध्य प्रदेश में पूरा करेंगे, आगे तो बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्रियों के नाम थे इस दौड़ में, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जैसे प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, बी डी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे कई नाम थे, लेकिन जब मोहन यादव जी का नाम आया तो लोग ये कह रहे थे कि इनके नाम पे तो चर्चा भी नहीं मानी जा रही थी। ऐसा आप लोग को भी था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यह मीडिया में जो आपने बताया इस तरह की खबरें आ रही थी लगातार, लेकिन पार्टी नेतृत्व का क्या निर्णय था वो आज सबके सामने आया है, इसलिए सभी चीजों पर विचार करते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी ने तो निर्णय लिया, लेकिन आप लोग को ऐसी उम्मीद थी कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं थी, हम लोग तो घरों में सो रहे थे। पार्टी का जब देखा एकदम कि भैया को मुख्यमंत्री बनाया तो एकदम खुशी हुई और तुरंत ये फूल मूल लेकर पहुंचे आप लोग, तो पहले से तैयारी थी अपने अब मोहन यादव जी को ये बिल्कुल फूल देने के लिए? हाँ जी, जिस तरीके से मोहन यादव जी का कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए संभावना तो थी कि ऐसा चेहरा आ सकता है, और केंद्रीय नेतृत्व का ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो पिछड़े वर्ग को लेके उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया है। इससे यहाँ की स्थितियाँ और मजबूत होंगी, पिछड़े नेतृत्व का नेतृत्व और मजबूत होगा प्रदेश में और देश में, इसका फायदा भी मिलेगा। तो बिल्कुल, प्रदेश और देश में उनका नेतृत्व का लाभ मिलेगा और तमाम यहाँ पर समर्थक भी पहुँचे हैं साथ के उनके, लेकिन कई लोगों को ऐसी चर्चा कर रहे थे कि मोहन यादव जी को जैसे मुख्यमंत्री बनाया है, पिछड़े वर्ग का नेतृत्व भी करते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अब आगे बढ़ाएंगे, आपको लगता है कि जैसे अब आगे तक 18 सालों तक शिवराज सिंह जी चौहान रहे मुख्यमंत्री, अब ऐसा काम आगे मोहन यादव जी बढ़ाएंगे? देखिए, जिस प्रकार 18 साल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का जो काम किया है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर चलकर हमारे सुलझे हुए मुख्यमंत्री, नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश को संवारने का, सुधारने का और दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। अच्छा, जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई आप क्या कर रहे थे उस समय? क्योंकि नाम तो ये चल रहा था कि प्रहलाद जी पटेल बनेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे या सिंधिया होंगे, शिवराज सिंह जी चौहान होंगे, लेकिन आप लोग मोहन यादव जी के खासे समर्थक हैं, उनके साथी हैं, उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो उज्जैन महाकाल ने हमारे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। उनके नाम की घोषणा हुई थी, आप क्या कर रहे थे? नाम की घोषणा, हम तो उज्जैन महाकाल से प्रार्थना कर रहे थे कि जिसको ही बनाओ ऐसा बनाना कि मतलब जो है, तो उन्होंने खुद ही भेज दिया अपनी नगरी से हमारे मोहन यादव जी को। आप लोग के मन में भी तो चल रहा होता उस समय, ऐसा लग रहा था कि नहीं है मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले, ये चमत्कार हो गया कोई? अब बीजेपी में चमत्कार तो होते ही रहते हैं अप्रत्याशित, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हुआ है और बहुत सशक्त मुख्यमंत्री मिले हैं। बहुत अच्छा निर्णय बता रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, जाहिर सी बात है उनके निवास पर खुशियां मनाने पहुंचे तो बहुत अच्छा निर्णय होगा, लेकिन जो नाम चल रहे थे उनके बीच में मोहन यादव जी का जो अचानक से नाम आया, मुख्यमंत्री तो बने ही बने हैं, दो बार के विधायक के मुख्यमंत्री बन जाने पर कद भी बढ़ गए और आगे? देखिए, जो भी निर्णय करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी और हाईकमान करता है,
और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है प्रदेश के हित में सोच समझ करके निर्णय लिया है कि किस व्यक्ति को कमान सौंपी जाना चाहिए और एक एंगल हर एंगल से सोचा जाता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के जो चुनाव में उनमें मोहन यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और मैं एहसास करता हूँ मोहन यादव जी बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के ये प्रदेश की सेवा करेंगे, ऐसी हमको आशा है। अच्छा, जब चुनाव परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तब ऐसा माना था आपने कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं, हमारा तो ये मानना है कि मोदी जी हैं तो चमत्कार होता है। ऐसा चमत्कार हुआ, बैठे थे एकदम न्यूज में आया कि मोहन यादव जी बन रहे, तो ऐसा लगा जैसे चमत्कार हो गया। तो ये चमत्कार था कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, बिल्कुल हर आदमी कह रहा चमत्कार है, महाकाल का आशीर्वाद है, चमत्कार है। भाजपा का चमत्कार या महाकाल जी का आशीर्वाद? महाकाल जी का आशीर्वाद और भाजपा की प्रगतिवादी सोच, दोनों। तो बिल्कुल मोहन यादव जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब तक उच्च शिक्षा मंत्री थे, मध्य प्रदेश के विधायक हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक तीसरी बार के विधायक हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की वो जिम्मेदारी संभालेंगे। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे, बड़े नेताओं के नाम थे, कहा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या शिवराज सिंह चौहान, इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उनके समर्थक भी इसे चमत्कार मान रहे हैं। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।